अमिताभ बच्चन के साथ कई सुपरहिट फिल्में बना चुके डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की 1984 में अमिताभ बच्चन के साथ आखिरी हिट रही फिल्म शराबी रिलीज हुई। फिल्म के गानों ने काफी वाहवाही लूटी। कादर खान द्वारा लिखे गए फिल्म के डायलॉग बहुत ज्यादा प्रचलित हुए और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट रही। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के ही एक व्यक्ति को ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो व्यक्ति थे प्रकाश मेहरा की ही तरह अमिताभ बच्चन के साथ कई सुपरहिट फिल्में बना चुके मनमोहन देसाई। मनमोहन देसाई ने शराबी फिल्म पर बात करते हुए मीडिया में कहा था कि इस फिल्म के जरिए प्रकाश मेहरा पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं, यही कि एक बंदा जो दिन रात शराब पीता है, अपने बाप की कड़ी मेहनत से की गई कमाई को बर्बाद करता है, उसके बाद अपने बाप को सबके सामने बेइज्जत भी करता है, लेकिन वो हीरो है। मनमोहन देसाई ने आगे कहा था कि एक शराबी ही इस तरह की फिल्म बना सकता है जबकि एक मर्द मर्द जैसी फिल्म बना सकता है। मतलब ये मनमोहन देसाई ने उनके द्वारा अमिताभ बच्चन के साथ बनाई गई मर्द फिल्म के लिए कहा था, जिसके जवाब में बाद में प्रकाश मेहरा ने मनमोहन देसाई के लिए कहा था कि एक कुली ही कुली जैसी फिल्म बना सकता है। वैसे शराबी फिल्म के सुपरहिट डायलॉग लिखे थे कादर खान ने और कादर खान मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा दोनों की ही फिल्मों के लिए लिखते थे और दोनों की ही फिल्मों में एक्टिंग भी करते थे। और कादर खान के अनुसार उन्हें एक बार मनमोहन देसाई ने कहा था कि या तो तुम प्रकाश मेहरा के साथ काम करो या मेरे साथ काम करो, तुम दोनों के साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन कादर खान ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और अपने हिसाब से काम करते रहे, इसलिए बाद में मनमोहन देसाई ने कभी कादर खान से कुछ नहीं कहा। दोस्तों, मनमोहन देसाई की ज्यादातर फिल्में लॉस्ट एंड फाउंड वाले फॉर्मूले पर आधारित होती थी, जिसकी वजह से प्रकाश मेहरा ने मनमोहन देसाई को कई बार क्रिटिसाइज किया था और उसके जवाब में मनमोहन देसाई ने कहा था कि अगर प्रकाश मेहरा को लॉस्ट एंड फाउंड वाले फॉर्मूले से इतनी ही नफरत है तो फिर उन्होंने लावारिस फिल्म में यही फॉर्मूला क्यों अपनाया। खैर, इसे हम मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा की नोकझोंक कह सकते हैं, झगड़ा नहीं कह सकते। लेकिन असल झगड़ा इन दोनों के बीच तब हुआ जब 1989 में इन दोनों की ही फिल्में तूफान और जादूगर बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई और प्रकाश मेहरा ने जादूगर के फ्लॉप होने का कारण बताया अमिताभ बच्चन और खासकर मनमोहन देसाई को। दरअसल मनमोहन देसाई की तूफान फिल्म के रिलीज होने के महज 2 हफ्तों बाद प्रकाश मेहरा ने जादूगर फिल्म रिलीज कर दी और जब जादूगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो प्रकाश मेहरा ने मीडिया में कहा कि जादूगर फिल्म में भी अमिताभ बच्चन जादूगर के रोल में हैं और तूफान फिल्म में भी अमिताभ बच्चन जादूगर के रोल में हैं। इसलिए बार बार एक ही तरह के रोल में अमिताभ बच्चन को देखने से पब्लिक बोर हो गई और जादूगर फिल्म फ्लॉप हो गई। प्रकाश मेहरा ने आगे कहा कि वे 1979 से ही जादूगर फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, इसलिए फिल्म के बारे में अमिताभ बच्चन को भलीभांति पता था, इसलिए अमिताभ बच्चन ने ही तूफान फिल्म के शूट हो जाने के बाद जादूगर फिल्म की कहानी के बारे में मनमोहन देसाई को बताया, इसलिए फिर मनमोहन देसाई ने 50 दिनों तक और शूटिंग की और तूफान फिल्म में भी जादूगर वाला हिस्सा जोड़ा। प्रकाश मेहरा ने आगे कहा कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि तूफान फिल्म में भी जादूगर वाला हिस्सा है, ये मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन ने मेरे साथ साफ साफ धोखा किया है। वैसे प्रकाश मेहरा से जब मीडिया ने पूछा कि भाई आपने तूफान से सिर्फ 2 हफ्तों के बाद ही जादूगर फिल्म को क्यों रिलीज कर दिया तो प्रकाश मेहरा ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के दबाव के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा और इसी के चक्कर में मैं फिल्म का फाइनल प्रिंट भी नहीं देख पाया। फिल्म के कई महत्वपूर्ण हिस्से, महंगे महंगे हिस्से जो मैंने शूट किए थे वो फिल्म से एडिट हो गए थे, लेकिन हड़बड़ी की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। वैसे अमिताभ बच्चन के अनुसार तूफान फिल्म को फरवरी 1989 में रिलीज किया जाना था और जादूगर फिल्म को मई 1989 में रिलीज किया जाना था और तूफान फिल्म 1988 के दिसंबर तक पूरी तरह बनकर कंप्लीट हो गई थी और अमिताभ बच्चन शूटिंग, डबिंग सब कंप्लीट करके अग्निपथ की शूटिंग के लिए कहीं बाहर चले गए थे, लेकिन इस दौरान गंगा जमुना सरस्वती रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। इसलिए मनमोहन देसाई को ये डर था कि कहीं तूफान फिल्म भी फ्लॉप ना हो जाए, क्योंकि तूफान फिल्म में भी उस वक्त तक जो तूफान फिल्म बनी थी उसमें अमिताभ बच्चन के पहाड़ी से गिर जाने के बाद यादाश्त जाने वाला सीक्वेंस दिखाया जाना था, जैसा कि गंगा जमुना सरस्वती में दिखाया गया। इसलिए मनमोहन देसाई ने वो वाला हिस्सा बदलने के लिए अमिताभ बच्चन को वापस बुलाया और 50 दिनों तक और शूटिंग की, जिसमें डोंट वरी बी हैप्पी गाना शूट किया गया और फिल्म के कई और हिस्से रीशूट किए गए।
लगभग 2 महीनों का समय लग गया और फिर तूफान फिल्म अगस्त में रिलीज हो पाई और तूफान फिल्म की रिलीज के बाद ही जादूगर फिल्म को भी रिलीज कर दिया गया और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। और प्रकाश मेहरा की दोनों ही फिल्मों में जादूगर होने की बात के जवाब में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि जादूगर फिल्म में वो एक प्रोफेशनल जादूगर के रोल में नजर आए जबकि तूफान फिल्म में वो स्ट्रीट जादूगर के रोल में नजर आए। मतलब जादूगर फिल्म के मुकाबले तूफान फिल्म के जादूगर वाला रोल काफी छोटा रोल था और वो उतना महत्वपूर्ण रोल फिल्म में था नहीं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, जादूगर फिल्म तूफान की वजह से फ्लॉप हुई थी या इसके फ्लॉप होने के कुछ और ही कारण थे? वैसे अगर दोनों फिल्मों का कंपैरिजन किया जाए तो मुझे तो तूफान फिल्म जादूगर से कई मायनों में बेहतरीन लगती है, जादूगर फिल्म मुझे उतनी अच्छी लगी नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो को अगर YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए फिल्मी फ्लैशबैक। धन्यवाद।